जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। आज राजनगर क्षेत्र में जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए मैं हिजगृह शादीकर्ता प्रभु दामोदर लीला प्रभु का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इन भक्तों के प्रयास से यह रथ यात्रा आयोजित की जा रही है और आप सारे जितने उपस्थित यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, कांग्रेगेशन डिवोटीज हैं, यूथ डिवोटीज हैं, आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस रथ यात्रा में भाग लेने वाले, सेवा करने वाले समस्त भक्तों के ऊपर प्रभु अपनी कृपा बरसाएं। ये रथ यात्रा जो है ये प्रतीक है प्रेम का। भगवान हम सबको सब कुछ देते हैं, सांस लेने के लिए हरि बोल, सांस लेने के लिए हवा देते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं और खाने के लिए अन्न देते हैं, सब कुछ भगवान हमको उपलब्ध कराते हैं। यहाँ तक कि भगवान की कृपा ना हो तो हम देख भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, बड़ी हिस्साइड हो जाइए और बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की कृपा से हमको हरी 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 भगवान की कृपा से हमको आंखें मिलती हैं। ये आंखें जिनसे हम देखते हैं ये कौन देता है? भगवान देते हैं। यदि संसार में भगवान की कृपा ना हो तो कई लोग की आंखें चली जाती हैं, रोशनी समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान को हम धन्यवाद देते हैं, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, उनसे प्रेम नहीं करता है, वो व्यक्ति कृतज्ञ माना जाता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यो माम एवं अभिजानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति माम सर्वभाविन भारत। जो व्यक्ति मेरे इस तत्व को जानता है कि मैं सब कुछ हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताएं देता हूँ, वो व्यक्ति मुझे भावपूर्वक मेरी सेवा करता है। तो कहते हैं कि अगर भगवान की भक्ति हम अच्छे से करेंगे तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहेगी और हम सुखी और संपन्न रहेंगे और इस जीवन में भर मृत्यु के बाद भगवान के धाम जाएंगे। तो इसके लिए जगत के नाथ जगन्नाथ स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता में बताते स्रोत हूँ, माता सर्व प्रवर्तते इति माता भजन्ते माम बड़ा भाव स्वामित्व। इसलिए आज जो भक्त, हालांकि संसार के हर जीव भगवान का एहसान मंद है, भगवान का एहसान हम सबके ऊपर है, चाहे जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है या नहीं है, सबके ऊपर भगवान का एहसान है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो भगवान के एहसान को मानते नहीं है, जो बुद्धिमान है उसको मानते हैं, और ये बुद्धिमान लोग यहाँ पर आकर खड़े हैं जगन्नाथ जी के स्वागत के लिए। मूर्ख लोग नहीं आते, मूर्ख लोग माया के द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे, कष्ट जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार पुनरुत्पन्न जन्म पुनरुत्पन्न मरणम इस चक्र में, दुखों के चक्र में फंसाए जाते रहेंगे माया के द्वारा। जो बुद्धिमान है, जिनको थोड़ी भी अकल है, वो व्यक्ति भगवान के शरण में आता है और भगवान की उपासना करता है, भगवान के प्रसन्नता के लिए सेवा करता है उनकी। तो ये देखिए यहाँ पर इतने सारे बुद्धिमान भक्त हैं और ये सब यहाँ एकत्रित है भगवान का स्वागत करने के लिए। जब ब्रजवासियों की तरफ ब्रजवासी भक्त भगवान को कुरुक्षेत्र से लेकर वृंदावन गए थे प्रेम पूर्वक रथ पर चढ़ाकर, तो आज इस रथ यात्रा में यहाँ पर जिसने भक्त जितने भक्त आए हैं, अगर आप सब रथ को खींचेंगे तो आप सब आज ब्रजवासी बन जाएंगे। तो कितने लोग ब्रजवासी बनना चाहते हैं?
सहयोग बनना चाहते हैं, बहस कम कर दो थोड़ी सी। ब्रजवासी के लिए देखो, ब्रजवासी के कितने महान भक्त है। बंद कर दो बहस, कि भगवान उनके लिए जो है उनके घर में जाकर चोरी कर रहे हैं, मक्खन चुराते हैं, उनका प्रेम इतना महान है। भगवान उनके घर में एक साधारण बालक की तरह घूमते फिरते हैं। जो प्रभु सारी सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, वो उनके घरों से जाकर मक्खन चुरा कर खाते हैं, उनका कितना बड़प्पन है। ऐसे ब्रजवासी भक्तों के प्रेम के कारण भगवान जो है ब्रज में अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। तो भगवान जब मथुरा चले गए तो ब्रजवासी उनके विरह में थे, और कई वर्षों के बाद फिर कुरुक्षेत्र में भगवान आए द्वारका से। तो ब्रजवासी उन्होंने किया कि मैं भगवान को हम अब द्वारका से कुरुक्षेत्र से वापस द्वारका नहीं जाने देंगे, उनको हम लेकर वृंदावन जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे हम उधर ले जाकर। फिर ब्रजवासियों ने कृष्ण को रथ पर बिठा कर और प्रेम से रथ खींचते हुए कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर गए। उसी के उपलक्ष में ये रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो आज हर वर्ष इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है जगन्नाथपुरी में, लेकिन इस्कॉन के प्रयास से, श्री प्रभुपाद जी के प्रयास से जो जगन्नाथ रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होती है, वहां इतना भीड़ होता है, नजदीक से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन तक नहीं हो पाते हैं, इसलिए और इतना दूर जाने में बहुत दिक्कत है। इसलिए जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं, श्री प्रभुपाद जी और इस्कॉन के माध्यम से बोलते हैं कि संसार के हर शहर, हर नगर, हर गांव में रथ यात्रा होना चाहिए। इसलिए जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी आपके राजनगर में आ गए हैं और अब रथ यात्रा होगा, इसमें हम सब भाग लें। इसलिए प्रभुपाद जी का हम बहुत आभार होना चाहिए कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को गांव गांव, शहर शहर में, नगर नगर में प्रचारित कर दिया उन्होंने। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात का ध्यान रखिए कि रथ यात्रा जो है उसमें अंत तक रहना है, और जो भी बीच में छोड़ के जाएगा फिर जगन्नाथ जी उसको पिटाई करेंगे, तो बीच में छोड़ के नहीं जाना है। और दूसरा कि जब तक यहाँ रहेंगे तो अपने मुख से हरिनाम संकीर्तन करेंगे और कीर्तन में गाएंगे और नाचेंगे दोनों। और रथ को खींचना है, प्रेम से खींचना है कि भगवान को आप खींच के ले जा रहे हो, कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। जो भी रथ यात्रा में रथ को खींचता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए इस रथ यात्रा में जो रथ को खींचेगा उसको भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। रुक जाइए, रथ मत खींचिए, रुकिए एक मिनट। मुझे पता है आप लोग बहुत जल्दबाजी है, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, जब तक यहाँ से इशारा ना हो तब खींचना नहीं है रथ को। बस।